सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गो माता। और मैं गिर फार्म पे आया हूँ। इनमें मैंने दो गायें तो परचेस की है और ये लगभग बछड़ियाँ वगैरह सेल कर रहे हैं। भाई साहब, जिन भाई का ये फार्म है वो ये बछड़ियाँ वगैरह सेल कर रहे हैं। तो किसी भाई को बछड़े को इसका मैंने वीडियो साइड आपके डाला, यूट्यूब अपने चैनल पर डाला हुआ भी है। एक तो ये गाय मैंने परचेस की है इनके यहाँ से, बहुत टॉप की। इस गाय के पिछले पहले ब्यांत के अंदर 10 लीटर एक टाइम का दूध वो बता रहे हैं। और अभी उनके सामने का भी वीडियो बनाऊंगा मैं जब वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसने मतलब जो फर्स्ट लैक्टेशन में बेटी दी है वो कहाँ पे है? उधर कहाँ पे चली गई? यहीं पे है, इन्हीं गायों के अंदर है वो। देख वो खड़ी उधर, ये इसकी फर्स्ट लैक्टेशन प्रिंस बुल की बेटी है। प्रिंस की जो ये रिजल्ट आया इनके पास, बट ये नॉट फॉर सेल है। ये इसकी ये बछड़ी आने के बाद ही इसकी माँ को दिया इन्होंने। ये जब इतनी सी थी वो वाली गाय, तब से मैं इनके पास से वो बछड़ी मांग रहा हूँ। और इसको भी मैंने मांगा है, काफ़ी अच्छी रेट के अंदर मांगा है, गाय की बराबर की कीमत में, पर उन्होंने सेल करने के लिए मना कर दिया। भाई इसको तो अपन रखेंगे। एक गाय मैंने ये काबरी परचेस की है, जो मेरा फेवरेट कलर है, बहुत मेरे को पसंद है ये कलर। ये वाली गाय मैंने एक परचेस की है और इसकी फर्स्ट में इलेक्ट्रिशियन की बेटी ये है काबरी। इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की बेटी ये है। और जो गायें हैं इनके पास काफ़ी अच्छी से अच्छी। और जो मैंने ये एक गाय परचेस की है इनके अंदर, ये इतनी हेवी गाय है, इतनी ज़्यादा लंबे समय तक दूध का जो है इसका कलेक्शन रहता है कि पूछो मत आप। बहुत टॉप की गाय है ये, बहुत टॉप की। अभी प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है वापस। इनके पास बुल भी है तो इन्होंने सीमन तो लगवाया हुआ है करंट बुल का अभी इसके, पर क्या पता इससे बुल से प्रेग्नेंट हो गई हो। तो बुल से भी ये वाला बुल है इनके पास काबरा, बहुत टॉप का। बट इसका अभी करण बुल का सीमन लगवाया हुआ है करण का। और ये देखो, ये अपने यहाँ से लेके आए थे ये वाली गाय। ये भाई साहब अपने यहाँ से ख़रीदी थी जब बछड़ी थी ये छोटी। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में इसने 9 लीटर एक एक टाइम का दूध दिया, दूसरे इलेक्ट्रिशियन में बच्चा देगी है। ये देखो और ये सारी गायें हैं इनकी, ये सारी गायों का कलेक्शन है। और ये इनके मालिक है, धनराज जी इनका नाम है। ये देखो देखो आप बछड़ियों की क्वालिटी देखो। इनमें आपको बछड़ियों की देवन बछड़ियाँ सब बिका हुआ है। आपको इनमें से कोई सी भी पसंद आई, एक उस वाली को छोड़ के, उस बाकुंदे मखुनाली वो वाली, उसके उस वाली बछड़ी के अलावा सारी बछड़ियाँ बिका हुए बछड़ियाँ गायें आपको जो भी पसंद आए। बुल भी अगर आपको पसंद आए तो बुल भी फॉर सेल है। लेवर की प्रॉब्लम होने के कारण आप समझ लीजिए, कैसे भी समझिए। ये वाली बछड़ी देखो आप, ये वाली देखो बछड़ी कितनी प्योर है। इनका स्क्रीन शॉट अलग अलग खींच के भेजे, लगभग रेट का ये कड़ू कड़ा था कि रेट की है ये बछड़ियाँ 40,000 से 1,00,000 तक। इन बछड़ियों के अंदर 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 तक की बछड़ियाँ हैं। तो आप कोई भी भाई इनके जो परचेस करने वाले हैं तो आप पहले यहाँ पे भी आ सकते हैं, मैं इस फार्म पे आपको लाके विजिट करवा दूँगा। और जो दो गाय मैंने ख़रीदी है इनसे, वो तो जैसे डिलीवरी टाइम पे आ गई तो मैंने उनको ख़रीद ली और वहाँ पे जा रही है। लगभग जैसे कोई लेगा डायरेक्ट तो ठीक है, वरना लगभग लगभग धीरे धीरे करके ये बछड़ियाँ वगैरह जो भी जाएगी अपने फार्म पर ही जाने वाली है। ये देख लो एक, ये सभी गाय इनकी बहुत शौक से ख़रीदी हुई है और बछड़ियाँ इनके घर पे तैयार की हुई, ब्रीड की हुई है। और देख लो आप, ये काबरी गाय भी अपने पास ही जाएगी, ये वाली भी। ये इनमें से कोई से भी पसंद आए तो कॉल कर लेना भैया, और आप मेरे से आप डायरेक्ट विजिट करते हैं तब मैं आपको इन फार्म बछड़ियों का वीडियो वगैरह दिखा पाऊँगा। क्योंकि मैं इन बछड़ियों का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं इनके अनुमानित रेट बता चुका हूँ। 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक आपको इनमें पशुधन मिलेगा। ठीक है भैया, चलते हैं इसी के साथ में। राम राम, जय हिंद, जय गो माता।